हेलो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में गूगल ड्राइव ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट और फोटोज़ और अपना वीडियोज़ को सेव करके रख सकते हैं। और तो और अपना जीमेल किसी भी फ़ोन में डालकर अपना सारा डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और वीडियो देख सकते हैं। और इसमें आपका स्टोरेज भी नहीं भरता है, इसमें आपको 15 GB तक का स्टोरेज फ्री मिलता है। ये ऐप सभी फ़ोन में होता है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ड्राइव ओपन कर लेना है, और इसमें दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर फोटोज और डॉक्यूमेंट या जो भी आपको सेव करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉर्नर में प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी पिक्चर सेलेक्ट करना है अपलोड करने के लिए, सिंपली आपको उसको चूज कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ से आपको गैलरी से कुछ पिक्चर्स चूज करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आ गए और हम यहाँ से कुछ पिक्चर चूज कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये सब पिक्चर चूज कर लिए, और इसके बाद दोस्तों हमें चूज करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में जो सही का निशान है, इस पर क्लिक कर देना होता है। जैसे हम यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये सारा फोटो यहाँ पर अपलोड होने लगता है दोस्तों। और दोस्तों, आप ऐसे ही कुछ करके अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका यहाँ से कोई भी पिक्चर या वीडियो या डॉक्यूमेंट जल्दी डिलीट नहीं होता है। मैं इसका भी आपको बताऊँगा कि आप कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर आपको गलती से यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको इसके बाद वीडियो अपलोड करके दिखा देते हैं। दोस्तों, आपको जहाँ पर भी वीडियो है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस वीडियो को सेलेक्ट करके अपलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से इसे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो भी यहाँ पर अपलोडिंग होने लगता है। और देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा सारा पिक्चर यहाँ पर जो हम अभी अपलोड करने के लिए लगाए थे, वो सब लमसा हो चुका है। अभी 3 थे हमारा अभी पेंडिंग में है दोस्तों, तो अभी ये सब हो रहा है। दोस्तों, अगर मानते हैं कि आपका गलती से यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ पर एक डिलीट करके आपको पिक्चर दिखा देते हैं, अगर आपका यहाँ से गलती से कोई पिक्चर डिलीट हो जाता है, जैसे कि यहाँ से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है दोस्तों, तो आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं दोस्तों, आपका अगर ये डिलीट हो जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ से सिंपली यहाँ पर 3 लाइन पे आएंगे और यहाँ पर बिन में आएंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ से ये पिक्चर शो होने लगता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइटम्स आर डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 3 डेज, मतलब ये 30 दिन के बाद ये हमेशा के लिए आपका पिक्चर डिलीट हो जाता है दोस्तों। अगर आप कोई भी पिक्चर वहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, तो आपको यहाँ पर बिन में वो पिक्चर मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, मैं इसका भी बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों, यहाँ पर 3 डॉट पे आना है, और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से रिस्टोर जैसे करते हैं, ये आपका यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरह से इसे रिकवर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके बाद आपको बता देता हूं कि आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, सब वही प्रोसेस होता है, जैसे कि फिर से हम यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम फिर से अपलोड के ऑप्शन पर जाते हैं, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पर शो होने लगता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ई आधार का जो डॉक्यूमेंट है, हम इसको वहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर अपलोड होने लगता है। ये हमारा जो वीडियो अभी अपलोड किए थे, यहाँ पर अपलोड हो चुका है दोस्तों। अगर आप इसे चाहें तो गैलरी में कैसे अपना फिर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट पे आना है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ये आपका डाउनलोडिंग होने लगता है दोस्तों, और ये आपका गैलरी में चला जाता है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें आपको नेट का ज़रूरत पड़ता है, ये नेट से
काम होता है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।